हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन इंट्रोड वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द मेडिसिन डाइसाइक्लोमिन तो यह हमारा लेक्चर स्पेशली हमने डिज़ाइन किया है ऑन द मेडिसिन डायसाइक्लोमिन तो डाइसाइक्लोमिन का जो यूज है वो होता है कि स्टमक पेन के अंदर भी ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है एज वेल एज पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है उसमें भी इफेक्टिव है एज वेल एज़ ऑल्सो यूज़ इन ए ट्रीटमेंट ऑफ इरीटेबल बाउल सिंड्रोम कि जो आई हम कहते हैं इरीटेबल बाउल सिंड्रोम कि जो एक इंटेस्टाइन रिलेटेड डिसीज है उसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ होता है प्लस उसके जो सिम्टम्स होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए भी डाइसाइक्लोमिन को हम यूज़ करते हैं तो यही मेडिसिन के बारे में हम डिटेल में ये वीडियो लेक्चर के अंदर स्टडी करने वाले हैं तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दर सब्सक्राइब द चैनल एम प्रेसेंट दिल आईकॉन एंड नेवर मिस एन वीडियो ऑफ फार्मारॉक्स फार्मारॉक्स का जो स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑफ रॉक्स की मोबाइल ऐप ऊपर अवेलेबल है तो अगर आप एंड्रॉयड ऐप के यूजर हैं तो ये ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए अगर आप एप्पल आईफोन यूजर है तो उसको ऐप स्टोर पर से डाउनलोड कर सकते हैं कि जहां पे आप स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर वगैरह को एक्सेस कर पाओगे तो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड तो डायसाइक्लो वेरिन ऑल्सो नोन एज ए डायसाइक्लोमिन तो ये मेडिसिन का जो दूसरा नाम है वो है डायसाइक्लो तो ये आपको याद रखना है कि यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाइसाइक्लोवेरिन इज इक्वल टू डाइसाइक्लोमिन एंड इट इज ए मेडिकेशन दैट इज यूज टू ट्रीट द स्पाजम्स ऑफ इंटेस्टाइन सच एज अकर्सिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कि जो स्पाजम्स होते हैं कि मतलब कि जो क्रैम्प्स uh, जैसा होता है इंटेस्टाइन के अंदर तो ये जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं स्पेशली इन इरीटेबल बाउल सिंड्रोम कि जो इंटेस्टाइन का जो पोर्शन है कि यहाँ पे जो इंटेस्टाइन का जो पोर्शन हम कहते हैं वहाँ पे डेवलप होते हैं स्पाज़म कि जिसको हम कहते हैं कि जो मसल्स है वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण आपको जो है वो स्पाज़म्स होते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि मसल्स का एक टाइप से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके कारण जो भी पर्सन होता है वो काफ़ी अनकम्फर्टेबल फील हो करता है और ये स्पाजम्स के कारण मसल्स क्रैम्प होते हैं एज वेल एज़ वहाँ पे डेवलप होता है पेन तो ये कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है उसको ट्रीट करने के लिए हम डायसाइक्लोमिन को यूज़ करते हैं उसके अलावा ये मेडिसिन जो इफेक्टिव है पीरियड पेन के अंदर एज वेल एज इन ए स्टमक पेन तो पीरियड्स के दौरान जो पेन होता है पीरियड्स से पहले या फिर ड्यूरिंग द पीरियड्स उसके अंदर भी डायसाइक्लोमिन काफी इफेक्टिव रहती है फिर आ, स्टमक पेन जो होता है उसमें भी ये यूजफुल रहती है ये मेडिसिन तो ये है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और इट इज टेकन बाय माउथ ओरली वो लिया जाता है एंड जब इंजेक्शन से आप उसको यूज करते हैं तो उसका जो इंजेक्शन दिया जाता है इन टू ए मसल तो ये है मेन इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड तो डायसाइक्लोमिन इज इन ए क्लास ऑफ मेडिकेशंस कॉल एंटीकोलिनर्जिक्स कि जो फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर जो एंटीकोलिनर्जिक्स जो ड्रग है उसके अंदर ये इंक्लूड होती है डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इट रिलीव द मसल्स मसल इन द गैस्ट्रो ट्रैक ट्रैक ब्लॉटिंग द एक्टिविटी ऑफ सर्टन नेचुरल सब्सटेंस इन द बॉडी कि जो स्पाजम्स होने के लिए मसल्स स्पाजम की जो मसल्स आपके खींचते हैं ऐसा आपको फील हो रहा है कि जैसे मसल खींच रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ऐसे जब कंडीशन प्रोड्यूस होती है तो उस वक्त वो मसल्स को रिलैक्स करना काफ़ी जरूरी है तो दिस मेडिसिन इज़ वर्क बाय रिलैक्सिंग द मसल्स इन द स्टमक एंड गट कि जो हमारा गट होता है कि जिसको हम इंटेस्टाइन करते हैं एज वेल एज़ जो मसल्स होते हैं कि स्टमक के एज वेल एज गट के उनको रिलैक्स करके ये मेडिसिन अपनी मेन जो है वो इफ़ेक्ट दिखाती है तो डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो मेडिसिन से तो उसके प्राइमरी इफेक्ट बॉडी के कौन से पार्ट पे होता है तो वो सबसे पहले अफेक्ट करती है ऑन द मसल्स और मसल्स को ये मेडिसिन करती है रिलैक्स बिकॉज कि जब किसी पर्सनस को स्पाजम्स वगैरह डेवलप होते हैं कि जिसको हम कहते हैं मसल स्पाज़म मतलब कि मसल्स जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं स्पाजम्स में क्या होता है मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको जरूरी है उनको रिलैक्स करना तो ये मसल्स को रिलैक्स करने के लिए हम ये मेडिसिन जो है वो पेशेंट को देते हो ये मेडिसिन रहती है आर एक्स मतलब कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शंस के साथ ही आपको ये मेडिसिन अवेलेबल रहती है तो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर हम डायसाइक्लोमिन जो कहते हैं इज ए कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव तो दिस इज योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन पॉइंट एम सी क्यू का ये मेन पिन पॉइंट है कि जो डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड जो ड्रग है वो कौन सा डेरिवेटिव? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक विथ एंटी स्पाजमोडिक एक्टिविटी एंटी स्पाजमोडिक के कारण बिकॉज कि वो करती है रिलैक्स द मसल्स कि हमारे जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करती है और जिसके कारण जो कॉन्ट्रेक्शन के कारण जो स्पाजम्स डेवलप होते हैं पेनफुल कंडीशन जो प्रोड्यूस होती है वो काफ़ी हद से ट्रीट हो जाती है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि एंटी स्पाजमोडिक एक्टिविटी है उसकी कि जो स्पेशली मसल्स को जो है वो रिलैक्स करवाती है कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है एंड सिलेक्टिव एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो यहाँ पे हम उसका जो स्ट्रक्चर देख सकते हैं तो जो हम कार्बोक्सिलिक एसिड की जो बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं वो हम कि यहाँ पे कार्बन अटैच है और कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड ओ तो जो सी डबल ओ एच जो बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड तो उसका ये मेन डेरिवेटिव है और हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म में वो अवेलेबल होती है डायसाइक्लोमिन बॉग द एसिटाइल कोलाइन फ्रॉम बाइंडिंग टू मस्कैरिनिक रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल तो ये है उसकी मेन मिकेनिज्म ऑफ एक्शन एमओए जो हम कहते हैं कि डायसाइक्लोमिन क्या करती है कौन से केमिकल को ब्लॉक करती है तो इट ब्लॉक्स द एसिटाइल कोलाइन फ्रॉम बाइंडिंग टू मस्कर इनिक रिसेप्टर्स ऑन स्मूथ मसल्स की जो हमने प्रिवियस स्लाइड में देखा कि एक केमिकल है उसको ब्लॉक करके ये काम करती हो तो ये ऐसा केमिकल कि यह है एसीटाइल कोलाइन की जिसको करती है वो ब्लॉक फ्रॉम बाइंडिंग टू मस्कर इनिक रिसेप्टर ऑन स्मूथ मसल्स सो दे रिलीव द पेन ऑफ स्टमक पेन during the पीरियड्स एंड also during the inflammatory या फिर irritable बाउल सिंड्रोम तो ये है उसके मेन important पेन पॉइंट तो डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड कॉम्बिनेशन में पैरामिसिटाम के साथ भी यूज़ होती है कि पैरासिटामोल के साथ उसके कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट जो है वो अवेलेबल होती है कि डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासिटामोल टैबलेट यहाँ पर हम देख सकते हैं और उसका नाम भी दिया है डाइक्लोस्पास मतलब कि जो स्पाजम्स होते हैं क्रैम्प्स जैसा होता है आपको मसल्स जैसे आपके खींच रहे हैं ऐसा लगता है जिसके कारण जो है वो ऑब्वियसली पेन होता है पेशेंट को तो वो रिलीफ करने के लिए ये एंटी स्पाजमोडिक मेडिसिंस या फिर एंटीकोल और उसमें काफ़ी पॉपुलर है ये डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइसाइक्लोमिन इज यूज फॉर द रिलीफ ऑफ कॉले की पेन कोज बाई इंटेस्टाइनल मसल्स पाजम इन फंक्शनल बाउल और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम तो ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर एक नया वर्ड है कि कॉलिकी पेन तो कॉलिकी पेन इट मीन्स द पेन विच आर कम्स एंड गो मतलब कि पेन थोड़ी देर के लिए होता है और फिर बंद हो जाता है पेन सेंसेशन अकर्स फॉर फ्यू मिनट्स एंड देन ऑल्सो दे डिसर आफ्टर अगेन दे एपियर एंडहेफियर सो पेन इज कंटिन्यूसली एपियर एंड डिसहेफियर देट काइंड ऑफ कंडीशन इज अकर्स ड्यूरिंग दिस कॉले की पेन तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है कि कॉले की पेन मतलब कि ऐसा पॉइंट कि थोड़ी देर के लिए पेन होता है फिर से पेन बंद हो जाता है फिर से स्टार्ट होता है तो कंटिन्यूसली पेन ऑन होता है और ऑफ होता है ऐसी कंडीशन आपके अंदर प्रोड्यूस होती है pain, कि पेन समझो कि टू मिनट्स के लिए ये टू टू थ्री मिनट्स आपको पेन हुआ फिर नेक्स्ट टू टू थ्री मिनट में पेन जो है वो गायब हो जाता है नो no पेन फिर अगेन टू टू थ्री मिनट्स के बाद फिर से पेन एंड अगेन आफ्टर टू टू थ्री मिनट्स नो पेन तो कंडीशन प्रोड्यूस होती है बिकॉज कुछ समय के लिए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उस वक्त आपको पेन होता है फिर ऑटोमेटिकली जब थोड़ी रिलैक्स होंगे तो पेन बंद हो जाता है फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो आपको पेन होगा और वो जब रिलैक्स होते हैं तो पेन बंद हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन जब होती है उस वक्त डाइसाइक्लोमिन इज वेरी वेरी इफेक्टिव वेरी इफेक्टिव इन सच कॉली की पेन और स्पेशली आपको ये रीजन के अंदर ज्यादा होता है कि ये हम देख सकते हैं कि जो नावेल का जो रीजन होता है उसके आसपास चाहे मेल हो या फिर फीमेल दोनों के अंदर ये रीजन के अंदर जो है वो पेन रहता है कि जिसको कहते हैं हम कॉली की टाइप ऑफ पेन कोज बाय इंटेस्टाइनल मसल स्पाजम इन फंक्शनल बाउल एज वेल एज इरीटेबल बाउल सिंड्रोम और उसको रिलीव करने के लिए पेशेंट को हम ये डाइसाइक्लोमिन देते हैं इसकी जो साइड इफेक्ट होती है इस ड्राई माउथ कि कॉली की पेन के अंदर डाईसाइक्लोमिन को तो हम यूज करेंगे ही कि जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या फिर फंक्शनल बाउल सिंड्रोम के अंदर यूज हो तो उसकी जो साइड इफेक्ट्स है वो है एक तो ड्राई माउथ सेकंड है डिक्रीज एबिलिटी टू स्वेट कि जो स्वेट प्रोड्यूस होता है उसकी एबिलिटी पेशेंट के अंदर डिक्रीज होती है एंड नॉजिया इन सेडेशन होता है पेशेंट को आगे जानते हैं और डिटेल में ये मेडिसिन के बारे में तो दिस मेडिसिन इज ऑल्सो इफेक्टिव टू ट्रीट द कंडीशन ऑफ डिसमेनोरिया सो वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेडिकल टर्म डिसमेनोरिया इट मीन्स द पेनफुल पीरियड्स डिसमेनोरिया इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पेनफुल पीरियड्स तो उसके लिए ये देखो यहाँ पे डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासिटामोल का जो टैबलेट है वो कॉम्बिनेसन है और ये आरएक्स एनली है बिकॉज उसके अंदर पैरासीटामॉल तो है बट आरएक्स जो प्रिस्क्रिप्स ड्रग है डायसाइक्लोविन वो कॉम्बिनेशन में है जिसके कारण ये बन जाती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग तो स्पेशली जो स्पाजम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि स्पेशली जो डिसमेनोरिया की जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है जिसको स्पेशली हम कहते हैं पेनफुल पीरियड्स उसमें भी ये काफ़ी इफेक्टिव है तो उसके हायर डोज लेने की जरूरत नहीं है जो लोअर डोज होते हैं टेन एम वाला वो सफिसियंट होता है और वंस अ डे इट इज डोज ऑफ डाइसाइक्लोमिन ड्यूरिंग योर पीरियड और राइट बिफोर इट अबाउट वंस अ डे इट इज सो हेल्पफुल इन टैमिंग द क्रैम्प्स कि जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो स्पेशली जो क्रैम्प्स होते हैं कि यहाँ पे जो क्रैम्प्स डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स उसको काफ़ी वो काफ़ी हद कर हद तक वो रिड्यूस करते हैं और जिसके कारण जो है वो आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स आल्सो तो डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासिटामल का टैबलेट भी कॉम्बिनेशन में काफ़ी पॉपुलर है कि यहाँ पर उसका नाम भी दिया है स्पास स्किल एज वेल एज माइन स्पास वैसे अलग अलग उसके ब्रांड नेम अवेलेबल है और जिसके अंदर मेन हम कोई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट देखें तो वो है डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट डिसमेनोरिया के अंदर ये मेडिसिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है आगे जानते हैं हम उसके अलग अलग जो डोजेस फॉर्म है कि लो डोज की जो हम बात करते हैं तो डाइसाइक्लोमिन टेन एम का जो डोज है वो सफिशियन रहता है डिसमेनोरिया के अंदर कि जो पेनफुल पीरियड्स की जो कंडीशन होती है फिर डाईसाइक्लोमिन की ट्वेंटी एम की टैबलेट भी अवेलेबल होती है मार्केट में देन डायसाइक्लोमिन का ट्वेंटी एम का कैप्सूल भी अवेलेबल है उसके बाद देखिए तो ओरल सॉल्यूशन उसका अवेलेबल है कि जो आप ओरली यूज़ करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ रहती है टेन एम पर फाइव एम और ये सभी रहते हैं आर एक्स ऑनली यहाँ पे आप देख सकते हो कि सभी जगह पे आप उसके लेबलिंग्स में देखोगे आर एक्स ऑनली यहाँ पे भी लिखा है आर एक्स ओनली मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ ये वाले कंटेनर में भी लिखा है हियर इज दैट आर एक्स ऑनली बिकॉज विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको ये मेडिसिन नहीं मिलेगी प्रॉपर फिजिशंस की प्रैक्टिसनर की एडवाइस के साथ ही आपको ये मेडिसिन जो है वो लेनी है प्रॉपर आफ्टर द हेल्थ चेकअप के बिना रीज़न जाने के डायरेक्टली आप ले नहीं सकते तो प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही कि समझो कि आपको जो पेन है वो ड्यू टू पीरियड्स के कारण है स्टमक पेन है किसी इंटेस्टाइनल डिसीज़ के कारण या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारण पेन हो रहा है तो वो डायग्नोस होने के बाद जो है वो स्पेशली ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है तो ये है उसकी अलग अलग स्ट्रेंथ डोजेस फॉर्म के अंदर के कैप्सूल के अंदर टेन एम जी ट्वेंटी एम जी दोनों स्ट्रेंथ में अवेलेबल है टैबलेट के अंदर ट्वेंटी एम जी टैबलेट फिर डाईसाइक्लोमिन का जो ओरल सॉल्यूशन है वो टेन एम जी पर एम एल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड ओरल सॉल्यूशन एस पर यू एस पी टेन एम जी पर फाइव एम एल दूसरे उसका जो पॉपुलर डोजेस फॉर्म है वो है मस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज होने वाला इंजेक्शन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आप उसका मेन देख सकते हैं कि मस्कुलर ही एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है इसको तो मस्कुलर इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है तो यहाँ पे भी लिखा है कंटेनर के ऊपर भी डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन 20 एम पर 2 एम और 10 एम पर एम उसकी स्ट्रेंथ है और यहाँ पे लिखा है कि फॉर इंट्रामस्क्यूलर यूज तो गलती से भी ये इंजेक्शन को वेन में नहीं दिया जाता ओनली जब आप उसको इंट्रामस्क्युलर ही देते हैं तभी यह इफेक्टिव है बिकॉज मसल्स के अंदर देना जरूरी है इसको इंट्रामस्कुलर, बिकॉज ये जो मेडिसिन है वो मसल्स के जो स्पाज़म मसल्स के जो खींचने के कारण क्रैम्प्स के कारण जो पेन होता है उसको रिलीव करने के लिए यूज़ किए तो जब आप उसको इंट्रामस्कुलरी देंगे तो ही उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी और यहाँ पे भी लिखा है आर एक्स ऑनली ऑन वन टू एम एल सिंगल डोज इवन यहाँ पे भी है डाईसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन 20 एम पर 2 एम और वहाँ पे भी लिखा है इंट्रा मस्कुलर ओनली एनालिसिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी का भी ये काम करता है बिकॉज पेन सेंसेशन रिड्यूस करता है स्पाजम्स रिड्यूस करता है तो ये है उसके अलग अलग एम्पल्स वायल्स आप देख सकते हैं और ये एक चीज़ ख़ास आपको याद रखना है कि आई एम ओनली इंट्रा मस्कुलर इंजेक्शन ओनली तो दिस इज योर एमसी क्यू पिन पॉइंट आगे सीखते हैं उसके बारे में तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डोजेज फॉर्म है उसका वो है कि एन, सस्पेंजन डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड एंड सेमिथिकोन का जो सस्पेंशन भी अवेलेबल है तो वो भी आर एक्स ओनली है यहाँ पे देख सकते हैं आर एक्स लिखा हुआ यहाँ पे भी आर एक्स लिखा है तो आर एक्स ओनली सस्पेंशन है टेन एम जी पर फाइव एम एल आर एक्स ओनली मेडिसिन यूज फॉर द किड्स एंड चिल्ड्रन टू रिलीव द स्पाज़म अगर समझो कि बच्चों को भी इस तरह से स्पाज़म्स हो रहे हैं तो उनके लिए भी ये अवेलेबल है डोजिस फॉर्म स्पेशली पीडियाट्रिक यूज़ के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है लेबल पे ऊपर भी हियर कि फॉर पीडियाट्रिक यूज ओनली डाइसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड एंड सिमिथिकॉन सस्पेंजन एंटी स्पाजिक एज एंटी फ्लैटुल के तौर पे काम करता है छोटे बच्चों के अंदर और आर एक्स ओनली खास और ये खास याद रखो टेन एम जी पर फाइव एम एल उसका जो है वो स्ट्रेंथ रहता है सस्पेंशन के अंदर उसके साइड इफेक्ट्स भी जानना जरूरी है तो साइड इफेक्ट्स में ड्राई माउथ एक उसकी साइड इफ़ेक्ट है कि जो भी पेशेंट वो यूज़ करता है उसको ये साइड इफेक्ट्स में से गुजरना पड़ता है ड्राई माउथ जिसके कारण उसको कंटिन्यूसली वाटर भी साथ में लेना पड़ता है कि जिससे जब ड्राई माउथ जैसी कंडीशन फील हो तो तुरंत वो पानी अपने पास नज़दीक में रखे तो जिससे वो वाटर ले सके ऑफसेट स्टमक जैसा आपको लगेगा ऑपसेट स्टमक उसके बाद वॉमिटिंग वॉमिटिंग होगी तो नोजिया भी साथ में होगा ही कॉन्स्टिपेशन जैसा डेवलप होता है और कुछ केसेस के अंदर डायरिया दोनों ऑप्शन में रहेंगे और स्टमक पेन होगा गैस और ब्लोटिंग लॉस ऑफ एपेटाइट डिजीनेस टिंगलिंग हेड ड्रॉसीनेस वीकनेस होगा पेशेंट को ब्लर विजन डबल विजन एंड डिफिकल्टी इन यूरिनेटिंग तो ये है लॉस ऑफ एपेटाइट, बैक एक है हेड एक है फ्लैटुलेंस कई बार कुछ लोगों को होता है इसके कारण ब्लोटिंग जैसा भी फील होता है कि जिसको हम कहते हैं ऑपसेट स्टमक जैसी कंडीशन ब्लर विजन या फिर डबल विजन जैसा भी पेशेंट को हो सकता है ड्यू टू द साइड इफेक्ट ऑफ दिस डायसाइक्लोमिन उसके हम कुछ ड्रग इंटरक्शंस देखें तो डाइसाइक्लोमिन में अफेक्ट द एब्सॉर्बन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स सच एज लिवोडोपा कि लिवोडोपा के एब्जॉर्बंस के ऊपर अफेक्ट कर सकती है एज वेल एज एंटी फंगल लाइक कीटोकोनाजल इट्राकोनाजोल एंड स्लोली डिजोल्विंग फॉर्म ऑफ डिजोक्सिंग अमोंग अदर्स स्लोली डिजोल्विंग द फॉर्म मतलब कि डिजॉल्यूसन या फिर एब्जॉर्बसन के ऊपर यह अफेक्ट करते हैं ऑन द ड्रग्स लाइक लिवोडिपा कीटोकोनाजल इ्ट्रोकोनाजल एंड डिजॉक्सिन इफ़ यू आर टेकिंग आदर कीटोकोनाजल और इट्राकोनाजोल टेक इट एट टू ओवर्स बिफोर डायसाइक्लोमिन कि अगर आप किटोकोनाजल और इट्राकोनाजोल भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको एटलीस्ट दो घंटे पहले कि टू आवर्स बिफोर डायसाइक्लोमिन के लिए कि समझो कि आपको डायसाइक्लोमिन जो है वो लेनी है बारह बजे बारह बजे आपको लेनी है डायसाइक्लोमिन तो जो एंटीफंगल है कीटोकोनागोजल एट्राकोनाजल वो एटलीस्ट आप नौ या दस बजे के बीच में ले लीजिए तो ये थी रिगार्डिंग द ड्रग इंटरेक्शन ऑफ दिस डायसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड उसकी फार्माकोलॉजी भी जान ले तो उसका जो एप्सऑप्सन है उसके अंदर की जो उसकी बायोबिलिटी है वो 67 परसेंट मिलती है हमें आई एम मतलब कि इंट्रा ऑन ऑनसेट ऑफ एक्शन वन टू तो टू आवर्स में डेवलप होती है ड्यूरेशन लेस देन फोर आवर्स पीक प्लाज्मा जो टाइम है सिक्सटी टू नाइन्टी मिनट में उसका पीक प्लाज्मा जो है वो डेवलप हो जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखें तो इसका वॉल्यूम ऑफ़ डिस्ट्रीब्यूशन है 3.65 लीटर पर के जी तो ये है उसके कुछ स्टेटिस्टिक्स रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी तो ये था हमारा लेक्चर स्पेशली डाइसाइक्लोमिन तो इस तरह के और लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर से ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स सो मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप सेंड योर नेम सिटी नेम एंड व्हाट्सएप नाइन 9426180836 तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स का ऐप जहाँ से एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर अगर आप एंड्रॉइड यूज़र हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर से डाउनलोड करिए एप्पल आईफोन यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर पर से लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है तो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट